हेलो दोस्तों, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के और एक मसालादार वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कैपेसिटर के वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में बताऊंगा कि एक कैपेसिटर डीसी सर्किट के अंदर किस तरीके से काम करता है, ये आपको पूरे डिटेल में समझाऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो इसके लिए मैंने एक यहाँ पर कैपेसिटर के जरिए एक सर्किट बना के रखा हूँ। यहाँ पर देख सकते हो हमारा जो LED है अभी भी थोड़ा सा ग्लो कर रहा है, लेकिन इसमें कोई पावर सोर्स नहीं दिया हुआ है, फिर भी है बहुत देर से ये ग्लो कर रहा है। ये किस लिए कर रहा है और क्यों कर रहा है मैं आप लोगों को बताऊंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, उसके बाद चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है। तो यहाँ पे देख सकते हो हमने एक छोटा सा सर्किट बना के रखा हूँ, जिसके इनपुट पर हमने 9 वोल्ट यहाँ पर DC वोल्ट दिया हूँ एज ए पावर सोर्स। उसके बाद एक इसी सर्किट के अंदर यहाँ पर देख सकते हो कैपेसिटर लगा हुआ है, उसके बाद एक 10K का रेजिस्टेंस इस LED के लिए, ताकि ये हमारा LED ख़राब ना हो जाए। और उसके अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे 2 करेक्टरिस्टिक आउटपुट पे मिला है। फर्स्ट वाला जो पिक्चर है यहाँ पे देख सकते हो चार्जिंग टाइम पे ये हमारा कम करेगा और डिस्चार्जिंग टाइम पे हमारा ये लॉ लागू होगा। तो चार्जिंग टाइम पर क्या होगा आप यहाँ पर देख लीजिएगा कि जब भी हमारा कैपेसिटर का वोल्टेज धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगा, हमारा जो करेंट है वो धीरे धीरे गिरने लग जाएगा, यानी कि कम होते जाएगा, डिक्रीज होते जाएगा। तो अब हम देखेंगे डिस्चार्जिंग टाइम पे क्या होता है। जैसे ही हमारा पावर सोर्स यानी यहाँ पे जो 9 वोल्ट हमारा पावर सोर्स के लिए दिया था, ये 9 वोल्ट जब भी हम हटा लेंगे या बंद कर देंगे, तब हमारा ये जो करेक्टरिस्टिक है ये लागू हो जाएंगे। और एक कैसे कम करेगा, हमारा जो वोल्टेज है वो हाई पे है, तो जैसे ही हमारा वोल्टेज धीरे धीरे कम होते जाएगा, हमारा जो करेंट है वो धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगा। तो ये हमारा कैपेसिटर का बेसिक इन्फॉर्मेशन है जब हम कोई भी कैपेसिटर को DC सर्किट के अंदर हम इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए अब हम इस सर्किट के ज़रिए प्रैक्टिकल करके देख लेंगे। तो इसको हमने कनेक्शन किया हूँ, एक LED मैंने ज़्यादा लगा दिया हूँ, तो इस LED को मैं निकाल लेता हूँ और हम पावर सप्लाई आप देंगे इसको और यहाँ पर, यानी कि ये जो हमारा कैपेसिटर है इसके नेगेटिव पॉइंट पर हम नेगेटिव पावर सप्लाई देंगे और यहाँ पे हम पॉजिटिव देंगे, यानी कि पॉजिटिव में हम पॉजिटिव देंगे। तो चलिए अब हम टेस्ट कर लेते हैं, यानी कि हमारा पावर सप्लाई की जो इनपुट है वो 9 वोल्ट होंगे और वो कैसे होंगे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो ये हमारा पावर सप्लाई जो कि 9 वोल्ट मैंने सेट करके रखा हूँ, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो 9 वोल्ट मैंने मतलब सेट करके रख दिया हूँ। और उसके अकॉर्डिंग हम एक मल्टीमीटर ले लेंगे और इस मल्टीमीटर पर किस तरीके से सेट किया हूँ इस मल्टीमीटर को एक बार आप देख लीजिएगा, उसके बाद बोलिएगा। देखिए हमारा मल्टीमीटर को मिली एम्पियर पे सेट करके रखा हूँ, मिली एम्पियर यानी कि हम इसको करंट मेजर करने के लिए इसको सेट करके रखा हूँ। तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ यहाँ पे, ताकि आप लोगों को अच्छे से दिख जाए। और उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो ब्लैक वाला पॉइंट है यानी कि हमारा जो ब्लैक जो पावर सप्लाई है हम कैपेसिटर के नेगेटिव पे जोड़ देंगे, और पॉजिटिव का जो हमारा पावर सप्लाई है ये हम मल्टीमीटर के पॉजिटिव प्रॉब पे हम लगा देंगे और इस नेगेटिव प्रॉब को हम लगा देंगे कैपेसिटर के नेगेटिव पे। अब इस पॉइंट पे आप अच्छे से ध्यान दीजिए कि जब भी मैं जैसे ही मैं इस प्रॉब को हम कैपेसिटर के नेगेटिव के साथ जोड़ेंगे, तो हमारा इस मल्टीमीटर के अंदर आपको मैक्सिमम करंट दिखने को मिलेगा। तो चलिए मैं टच करता हूँ, तो देखिए जैसे ही टच किया आप देख सकते हो 200 के आसपास दिखा था आपको, अभी ये जो है धीरे धीरे कम होते लग जाएगा। जैसे ही हमारा कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाएंगे तो ये हमारा करंट कम होना बंद हो जाएगा। तो जैसे ही हम पावर सप्लाई बंद करेंगे, तो चलिए हम पावर सप्लाई को बंद कर देते हैं और बंद करने से ही हमारा जो करंट है ये बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए मैं इसको लगाता हूँ, अभी भी हमारा पावर सप्लाई बंद नहीं हुआ है, आई थिंक ये थोड़ा सा टाइम लगेगा इस पावर सप्लाई को। देख सकते हो बंद हो गया है और हमारा रेजिस्टेंस है यानी कि एम्पियर है धीरे धीरे ज़्यादा होने लग जाएगा, और हमारा देख सकते हो ये धीरे धीरे बंद हो गया। तो आपको कैपेसिटर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है आपको अच्छे से पता चल गया होगा। और ये जो वीडियो है, इस वीडियो में सर आपको ये बताया कि DC सर्किट के अंदर किस तरीके से कैपेसिटर काम करता है,
और अगर आपको एसी सर्किट के अंदर किस तरीके से काम करना है अगर आपको देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिएगा। तो इस वीडियो को ख़त्म होने से पहले आप लोगों को और कुछ दिखा देता हूँ, कुछ सैंपल्स कि अभी देख रहे होंगे कि ये हमारा कैपेसिटर चार्ज हो रहा है और इसके अकॉर्डिंग हमें कोई भी एम्पेयर मीटर नहीं लगा हुआ है। तो ये हमारा कैपेसिटर कितना देर तक इस एलईडी को जला सकते हैं वो हम देखेंगे। तो इसके लिए ये जो हमारा पावर सप्लाई है इसको हम यहाँ पे ओपन कर देंगे। जैसे ही देख सकते हो मैंने दोनों जो प्रोब है इसको मैं ओपन कर दिया हूँ और ओपन कर दिया हूँ, फिर भी हमारा जो एलईडी है कितना देर तक जलेगा ये आप देख सकते हो कि लगभग यहाँ पर 10 सेकंड से ज़्यादा हो गया, फिर भी हमारा जो एलईडी है ये कंटिन्यूसली ग्लो कर रहा है। तो ये कितना देर तक ग्लो करेगा आपको अगर इसका कैलकुलेशन जानना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए, क्योंकि धीरे धीरे आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के लेकर एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स के लेकर आपको सारे कुछ धीरे धीरे सिखाया जाएगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। देख सकते हो अभी भी थोड़ा सा ग्लो कर रहा है। तो गाइस अगर आपको कुछ भी सवाल है इस सर्किट के बारे में या इस नॉलेज के बारे में तो नीचे आप कमेंट करके बता सकते हो। इसके अलावा अगर आप मेरे से पर्सनली कांटेक्ट करना चाहते हो तो नीचे मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप मैसेज भेज सकते हो। जब भी मैं फ्री हूँगा आप लोगों को रिप्लाई करने का कोशिश करूँगा। थैंक यू गाइस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए।